हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। आज के इस ट्यूटोरियल में हम टीवी रिमोट से होम ऑटोमेशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टीवी रिमोट को डिकोड करने का ट्यूटोरियल हमारा देख लें। यहाँ इस ट्यूटोरियल में मैं टीवी के रिमोट को डिकोड करना नहीं बताऊँगा, हम लोग डायरेक्ट रिले के कनेक्शंस और प्रोग्राम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा कनेक्शन रिले का हमारे स्विच बोर्ड के संग। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जो रेड वायर है वो हमारी मेन वायर है, यानी लाइव वायर है। उसे मैंने फोर्थ चैनल के रिले से कनेक्ट किया और फिर उसे शॉर्ट कर दिया सभी एनसी चैनल्स ऑफ रिले के। और जो दूसरी टर्मिनल है उसे फिर हम लोगों ने प्लग्स के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लगा दिया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा कनेक्शन, फाइनल कनेक्शन। यहाँ आप चार वायर्स जो देख रहे हैं, पिन नंबर 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये हमारे रिले से कनेक्टेड है, रिले के इनपुट पिन से। और ये जो ग्रे वाली है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये जो रेड वाली है वो हमारे VCC जो कि 5 वोल्ट, आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्टेड है। और अगर मैं IR रिसीवर की बात करूँ तो इसका जो सिग्नल पिन है वो पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है, ये ब्लू वाली। और इसकी जो वॉयलेट पिन है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। और ये जो उसकी ग्रीन वायर है वो हमारी आर्डिनो के 3.3 वोल्टेज सप्लाई से जा रही है। तो दोस्तों, ये रहा कनेक्शन और ये एक डेमोंस्ट्रेशन है, इसीलिए मैं यहाँ आपको एक स्टडी लैम्प ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और हम यहाँ जिस बैटरी सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 9 वोल्ट की बैटरी। मैं आपको बता दूं कि जो रिले है वो बहुत ही पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो ये एफिशिएंट नहीं होता कि आप इसे आर्डिनो से 5 वोल्ट पावर सप्लाई करें। तो अगर आप इसे परमानेंटली अपने रूम में लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, इसे आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई दीजिएगा। एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो चलिए दोस्तों, अब डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ मैंने आर्डिनो को ऑन कर दिया है और मैं यहाँ बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारे रिले वन के लिए है। मैंने इसे प्रेस किया दोस्तों, आप देख सकते हैं रिले वन हमारी ऑन हो गई। फिर मैं रिले वन को ऑफ कर देता हूँ, फिर इसे दबाते हैं, हमारी रिले टू ऑन हो गई। अब दोस्तों, रिले थ्री पे हमारी जो लैम्प है वो जलनी चाहिए। तो दोस्तों, रिले मैं थ्री दबाता हूँ, दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी लैम्प ऑन हो गई। यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले IR रिमोट की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। दोस्तों, मैं अगर बता दूं, अगर आपने पिछले वीडियो को फॉलो किया हो तो वहाँ हम लोगों ने एक IR रिमोट के फोल्डर को लाइब्रेरी के अंदर कॉपी किया था, तो उसी हेडर फाइल, उसी लाइब्रेरी फाइल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ रिले के चारों रिले के लिए पिन असाइन किया है, 7, 8, 9, 10, जैसा कि आपने कनेक्शन में देखा था। और यहाँ हम लोगों ने चार वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, val1, val2, val3, val4, जिसे इनिशियली वैल्यू हम लोगों ने जीरो दी हुआ है। तो ये वैल्यूज़ है क्या, ये वैल्यू हमारे लास्ट स्टेटस को बताएंगे, पिन यानी रिले के जो पिन की स्टेटस है उसे हमें बताएंगे। और फिर वॉइड सेटअप में हम लोगों ने पिन मोड, सभी पिन मोड जितने भी हैं रिले के, उसे आउटपुट में रखा है और उसे डिजिटली हाई करके रखा है। तो वॉइड सेटअप जानते ही होंगे कि हमारा एक बार ही रन करता है, तो इनिशियली हम लोगों ने सभी पिन्स को हाई कर दिया। और जब भी हमारा रिमोट से कुछ भी वैल्यू डिकोड हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इफ़ रिजल्ट डॉट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू 10863 0025, तो दोस्तों ये मेरा डिकोडेड कोड था जिसे मैंने पहले डिकोड किया था अपने रिमोट को। तो अगर आप ये इस कोड को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको बस इसे हटाकर अपनी डिकोडेड वैल्यू को रखना है। और फिर मैंने val1 इज़ इक्वल्स टू डिजिटल रीड रिले वन, तो रिले वन अगर ऑन है या ऑफ है उसकी स्टेटस हमें 0 और 1, ये दो वैल्यू मिलेगी। अगर वो हाई है रिले पहले से तो val1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर वो लो है पहले से यानी 0, तो val1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वो val1 की वैल्यू 0 है, अगर ये ट्रू होता है तो वो क्या करेगा, मतलब पहले लो थी अब उसे वो हाई कर देगा।
फिर वेल वन की वैल्यू को वन कर देगा, और यहाँ डिले जो आपको मिल रहा है 100 मिली सेकेंड का, वो सब चीज़ को स्टेबल करने के लिए है। आप इसे बढ़ाकर भी देख सकते हैं अगर आपकी रिमोट बहुत सेंसिटिव है तो, एल्स में अगर वो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, वेल वन की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, पहले से ही वो पिन हाई है तो उसे फिर लो कर देगा और वेल वन की वैल्यू ज़ीरो कर देगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने चार रिलेज के लिए लिखा था, ठीक है। तो कोड बहुत ही सिंपल है, आप इस कोड को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली www.roboshala.com से इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर अराउंड 400 मेरे सब्सक्राइबर अभी हो चुके हैं हमारे चैनल के, तो थैंक यू। और इसी तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।